रामगढ़ ताल एवं चिड़ियाघर के निकट स्थित 150 एकड़ जमीन को कोर्ट से वन विभाग के पक्ष में फैसला आने के बाद वन विभाग इस क्षेत्र को प्राकृतिक ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित करने जा रहा है, जहां पर आने वाले दिनों में महानगर के लोगों के लिए एक शुद्ध वातावरण के साथ शुद्ध हवा मिलेगी, जिससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। शहर के मध्य स्थित इस 150 एकड़ जमीन पर विभिन्न प्रजाति के 10,000 की संख्या में छोटे बड़े वृक्ष पहले से ही लहरा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर DFO अविनाश कुमार ने बताया कि उद्यमियों से कोर्ट में फैसला वन विभाग के पक्ष में आने के बाद 150 एकड़ का ये हरियाली भरा क्षेत्र शहर के लिए कार्बन सिंक और ग्रीन लंग्स के रूप में काम करेगा। कोविड संक्रमण के दौर में पेड़ पौधों की महत्ता को लोगों ने काफी करीब से महसूस किया है। फिलहाल यहाँ नेचर वॉक की सुविधाएं मुहैया कराने की तैयारी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया। देखिए, जू से सटा ये जो आप पैच देख रहे हैं बाउंड्री के बाहर, 150 एकड़ की ये भूमि है। ये 1986 में ये वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु दी गई थी। उसके उपरांत कुछ लीगल इश्यूज आ गए थे, और परंतु दो डेकेड के कानूनी लड़ाई के बाद शासन द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि वन विभाग को सुरक्षा एवं अनुरक्षित करने के लिए ये 150 एकड़ की भूमि दी जाएगी। ये 150 एकड़ भूमि में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा छोटे और बड़े वृक्ष स्थापित हैं, जो शहर के लिए फेफड़ों की तरह काम करते हैं। शहर का अपना एक जंगल है ये। इसी में ऑलरेडी कोरोना काल में काफ़ी परेशानियाँ हुई, और पर्यावरण में जिस तरह से एयर पॉल्यूशन फैल रहा है, इसको देखते हुए 150 एकड़ की भूमि की और इम्पोर्टेंस और महत्ता बढ़ जाती है। इसी कड़ी में हम लोग आगे ये कोशिश कर रहे हैं कि एक वहाँ पर जॉगिंग ट्रैक, नेचर वॉक, साइकिलिंग ट्रैक, ओपन जिम डेवलप करें, और इसके लिए हम लोग बजट भी डिमांड कर रहे हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं, आप अगर आप जस्ट इसको जाएंगे, आपको एक कितना प्लेजेंट ये एक एटमोसफेयर मिलेगा। आसपास के वातावरण को भी ये ठंडा रखता है और एक बेटर माहौल देता है। तो इस तरह ये ऑक्सीजन प्लांट की तरह, नेचुरल ऑक्सीजन प्लांट की तरह ही बिहेव करता है।